और मरीजों के दुख को अपना दर्द महसूस करने वाली नर्सेस का किरदार हमेशा काबिले कदर और मिसाली रहा है जिशान। बिल्कुल शीनी, रमजानुल मुबारक में भी ये नर्सेस दिन रात फराइज की अदायगी में हाइल, तमाम रुकावटें उबूर करके इंसानियत की खिदमत में मसरूफ। दुनिया भर में आज नर्सेस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया इन दिनों कोरोना वायरस की वबा में जकड़ी हुई है, ऐसे में नर्सेस खतरे की परवाह किए बगैर अपने फराइज की अदायगी में लगे हुए हैं, मगर फिर भी उन्हें अहमियत नहीं दी जाती। नर्सेस कहते हैं कोरोना से जंग में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। जब हम लोग काम करते हैं तो हमारे जहन में ये नहीं होता कि ये हमें भी वायरस लगेगा या मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम, लेकिन हम लोग जब काम करते हैं हम गर्मजोशी से अपना काम करते हैं। आज नर्सिस का आलमी दिन मनाया जा रहा है, हम इसको बड़े जोश और खरोश से मनाना चाहते थे, लेकिन ये कोरोना वायरस की वजह से हम इसको उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर सकते जिस तरह के पहले किया जाता है। कोई हादसा हो या वाकया, नर्सेस हर मौके पर डॉक्टर्स से भी कबल पेश पेश रहते हैं, मगर अफसोस तो ये है कि इस ही फ्रंट लाइन फोर्स को अपने हकूक के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ती हैं। नर्सेस किसी भी अस्पताल के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं, मगर बदकिस्मती से उन्हें वो मुकाम नहीं दिया जाता जिसकी वो हकदार हैं। कैमरामैन अब्दुल जाफर खान के साथ गजल आरिफ, जी टीवी न्यूज़ कराची।